की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों के नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो बड़ी बड़ी अलग योजनाओं के तहत अब किसानों को भी लाभ मिलेगा। महिलाओं और रोजगार को लेकर भी विशेष फोकस किया गया है। इसके अलावा 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। एजुकेशन के लिए भी लोन अब आसान हो जाएंगे। जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए अब लोन मिल जाएगा। लोन का 3% तक का पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। और युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दी गई है। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप भी अब दी जाएगी। तो इंटर्नशिप में 5,000 रुपए प्रति माह भी मिलेगा। इसके अलावा 100 शहरों में साप्ताहिक बाजार की योजना दी जा रही है। और नए रोजगार के लिए 2 लाख करोड़। तो ज्यादा जानकारी के लिए अब हम कमल वलेचा जी से चर्चा कर लेते हैं। सीए है हमारे साथ। कमल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से इस जो नई टैक्स स्कीम आई है इसे आप देखते हैं, कितना फायदा आम जनता को इससे होगा? मैम अभी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट अनाउंस किया है इसमें एक तो व्यक्तिगत करों में कटौती की गई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है 50,000 से 25,000 किया गया है, 50,000 से 75,000 किया गया है, और जो फैमिली पेंशन है वो 15,000 से 25,000 तक रिडक्शन दिया गया है, और जो इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। पहले 3 लाख से 6 लाख 5% का स्लैब था, अब उसको 3 से 7 तक में 5% किया गया है। सर्वेक्षण में भी मध्यप्रदेश की काफी तारीफ। बहुत अच्छा, मैं निश्चित रूप से बधाई देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री को, माननीय वित्त मंत्री को, जिनके नेतृत्व में ये बजट आया है और खासकर मध्यप्रदेश के विकास के लिए एक रोडमैप की तरह काम करेगा। एक आखिरी सवाल है सर जी। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो बजट है उसको देखकर जो है मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया हमारे साथ में है, और उन्होंने बजट की तारीफ की और कहा है कि प्रदेश के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है और कहीं ना कहीं देश का ये बजट मध्य प्रदेश की तरक्की के रास्ते खोलेगा। कैमरामैन नितिन के साथ अनुराग मालविया, 24/7 भोपाल जी। कमल जी आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, जैसे कि बता रहा था कि एक तो व्यक्तिगत आयकर में है जो काफी छूट प्रदान की गई है, और साथ ही साथ जो कुछ विवादित उसमें धाराएं थी उनको फिर से वापस सही करने के लिए कार्य किया जा रहा है। जैसे कि जो केस रीओपन होते थे टैक्स चोरी के कारण से, उनकी समयावधि घटा के 10 साल से वापस 5 साल करने का प्रावधान कर दिया है। यहाँ पर जी कमल जी बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर हमारे साथ आदित्य जैन मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। आदित्य जी बहुत बहुत स्वागत है RNS 24/7 में। जिस तरीके से बजट आने के बाद शेयर मार्केट में उथल पुथल मची हुई है, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, सेंसेक्स में भारी गिरावट और 1200 अंक नीचे सेंसेक्स आ गया है, किस तरीके से देखेंगे इसे आप? देखिए बाजार की जो गिरावट है वो टैक्सेस के तहत है जी। आज उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया है, फ्यूचर एंड ऑप्शन पर उन्होंने STT बढ़ा दिया है और ऑप्शन पर भी उन्होंने STT बढ़ा दिया है। यही कारण है कि बाजार में लगातार एक शार्प गिरावट आई हुई है, और मैं समझता हूँ ये कोई बहुत लंबे समय नहीं चलेगी, लेकिन सरकार ने जो बजट दिया माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमन, ये एक आम बजट है। पहली बार पिछले 10 साल में देखने को आया है कि मोदी सरकार ने अपने लीज से हटकर एक आम बजट को पेश किया है। इसमें हर सेक्टर को एलोकेशन दिया गया है। मैं समझता हूँ ये कंजम्पशन स्टोरी है, और जिस तरीके से स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है, तो जो इनकम पर्सनल इनकम टैक्स का बढ़ाया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बाजार में इसमें पैसा आएगा। दिस इज ए कंजम्पशन एंड ग्रोथ स्टोरी टू द बजट इज 22-24। इसमें मैं बधाई दूंगा माननीय निर्मला सीतारमन जी को, साथ ही इसमें एक बार और बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो मांग की जा रही थी कि F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो सट्टेबाजी चल रही है
उसको देखते हुए काफी लंबे से डिमांड थी कि इन पर टैक्सेस बढ़ाए जाए, तो सरकार ने वो ही किया है। ये कोई अनिश्चित मांग नहीं थी, नए युवाओं का जो पैसा डूब रहा था बाजार में उसको रोकने के लिए कवायद है। मैं समझता हूँ बाजार ने फौरी रिएक्शन शार्प गिरावट का दिया है, आने वाले 2-3 दिनों में मार्केट इसको यू शेप रिकवरी, शाम तक वापस से मार्केट ऊपर जाएगा जब क्लोजिंग का समय आएगा, तब तक आपको लगता है कि ये जो 1200 अंक नीचे गिरे हैं ये वापस वहीं पहुंच जाएंगे? मैं समझता हूं कि बाजार को अभी समझने में एनालिस्टों को समय लगेगा, पूरा समय देना पड़ेगा। ये आज मैं ये नहीं कह रहा कि आज की जो 1200 अंकों की गिरावट है ये पूरी की पूरी हो जाएगी, लेकिन हाँ जैसे ही लोग समझेंगे वापस बाजार में आएंगे, निवेश के लिए माहौल बनेगा ये निश्चित तौर पर है। सरकार ने जो पैसा बचाया है ये पैसा जो है अब सीधा सीधा स्टॉक मार्केट में कंपनियों को लगेगा, और भी जिस तरीके से एलोकेशन उन्होंने अदर रूरल डेवलपमेंट इकोनॉमी को दिया है, जो युवाओं को जो फर्स्ट टाइम सर्विस करेंगे उनको पैसा देने का किया है, ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। अकेले शेयर बाजार से पूरे बजट को देखना एक आंख से देखना कहलाएगा, मैं समझता हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, कमल जी आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए, आदित्य जी आपका भी शुक्रिया और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आम जनता का बजट पेश हो चुका है और आपको बता दें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट, उम्मीदों से भरा हुआ ये बजट है, जिस तरीके से तोहफा मोदी सरकार ने दिया है। कहा गया था कि आगामी 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन इस पूरे बजट में कहीं भी एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दिखाई देता जिसमें 2047 तक विकसित भारत की कल्पना को पूरी की जा सकती हो, ऐसा कहीं एक भी बातों का उल्लेख नहीं है। पूरे बजट में वित्त मंत्री जी ने जहां एक और यह बात का प्राथमिकता बताने की बात कोशिश करी कि गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए प्राथमिकता रहेगी, लेकिन ये पुरानी बातों के सिवाय और नई बातें इसमें, नई योजनाओं का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। सिर्फ किसानों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत वो जो पुरानी योजना थी उसी को 5 साल बढ़ाने का घोषणा किया है, किसानों के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से युवाओं के लिए रोजगार, प्रशिक्षण और नौकरी की जो बातें कही गई हैं, ये बातें तो हमेशा कहते आए हैं लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कोई ठोस उस पर कोई उपाय नहीं है। एक नई योजना इन लोगों ने जो घोषणा की है, पूर्वोदय विकास योजना, तो पूर्वोदय प्रांतों में बिहार और आंध्रा जो दो प्रदेशों की बैसाखी पर यह सरकार टिकी हुई है, तो सिर्फ बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के विकासों की बात उन्होंने करी है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां से इस राज्य की जनता ने 10-10 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं, वहां पर फूटी कौड़ी का भी कोई भी एक बजट में उल्लेख किसी भी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में यह घोर अन्याय और उपेक्षापूर्ण कदम है। इस बजट की पूरी तरह से यह आशा के विपरीत है, पूरी तरह से खोखली बातें की गई है, कहीं कोई विकसित भारत की कल्पना की प्रतिपूर्ति इस बजट से नहीं हो रही है। इनकम टैक्स को लेकर एक निर्णय लिया गया है कि 3 लाख तक जिनकी आय है उनको अब कोई टैक्स नहीं देना होगा, इस निर्णय को कैसे देखते हैं? ये थोड़ी राहत है लेकिन कोई ये बहुत बड़ी राहत नहीं है, एक मामूली राहत है। महिलाओं के लिए भी काफी कुछ सौगात दी गई है, 3 लाख करोड़ का बजट रखा गया है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। नहीं, बजट में प्रावधान तो किए जाते हैं लेकिन योजनाएं कौन सी है ये जो है उसमें कहीं कोई दिशा दशा नहीं है, इसमें क्या काम करेंगे ये सिर्फ बजट में प्रावधानित होते हैं, इसका चूंकि कोई ठोस योजना नहीं है इसलिए ये राशि खर्चा भी नहीं हो पाती है और सिर्फ ये ढिंढोरा पीटते हैं। जैसे अभी मुद्रा लोन में उसको मुद्रा लोन 10 लाख से 20 लाख करने की बात करी गई है, शिक्षा लोन 10 लाख रुपये तक देने की बात करी गई है, लेकिन कोई बैंक वाले आज हमारे इन पढ़ाई करने वाले बच्चों को ना तो शिक्षा लोन देते हैं और मुद्रा लोन में भी यही स्थिति है, बैंक वाले लोग कोई हितग्राहियों को आज जो है आसानी से ऋण उपलब्ध नहीं कराते। तो ये सब सिर्फ बजट में बताने की चीजें हैं। पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू जो जिन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया दी और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, यह घोर निंदनीय है। छत्तीसगढ़ से 10 सांसद जो है दिल्ली गए हैं, उसके बावजूद छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, आनेश न्यूज, रायपुर।
माननीय वित्त मंत्री को जिनके नेतृत्व में ये बजट आया है और खासकर मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक रोडमैप की तरह काम करेगा। एक आखिरी सवाल है सर जी, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो बजट है उसको देखकर जो है मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया हमारे साथ में है, उन्होंने बजट की तारीफ की और कहा है कि प्रदेश के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है और कहीं ना कहीं देश का ये बजट मध्य प्रदेश की तरक्की के रास्ते खोलेगा। कैमरामैन नितिन के साथ अनुराग मालवीय 24/7 भोपाल।